नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स बुरुज में। दोस्तों आज अपन सॉल्व करेंगे क्लास 8 का सिंपल फर्स्ट का क्वेश्चन 14, जिसके और में भी एक क्वेश्चन आता है, यानी कि आपको दो क्वेश्चन दिए रहते हैं उसमें से एक सॉल्व करना रहता है। तो इसमें ज्यादातर चांसेस दिए रहते हैं कि एक डिवाइड का क्वेश्चन आता है, एक मल्टीप्लाई का क्वेश्चन आता है। जो डिवाइड का क्वेश्चन है वो मैं आपसे अभी सॉल्व करा रहा हूँ, और जो मल्टीप्लाई का क्वेश्चन रहेगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे सॉल्व करवा दूंगा। तो दोस्तों क्या है, क्वेश्चन 14 है, यूजिंग ध्वजांक सूत्र डिवाइड, नंबर दे रखे 3257 डिवाइडेड बाय 74, इसको किससे सॉल्व करना है, ध्वजांक सूत्र से सॉल्व करना है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें पहले इसको इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड थ्री पार्ट्स बनाने हैं इसके, जिसके अंदर आपको फर्स्ट में लिखना है जिससे आपको डिवाइड करना है, जिस संख्या से आपको डिवाइड करना है उसके जो टेंस पे है उसको तो नीचे लिखेंगे, जिसको बोलते हैं मेन डिजिट, और जो वंस पे है उसको लिखते हैं ध्वजांक डिजिट, जिसको ऊपर लिखते हैं अपन। बाकी अपन क्या करते हैं, जो फोर डिजिट है 3 2 5, इसमें से 3 तो इसमें लिख देते हैं, जो लास्ट डिजिट बचती है उसको इसमें लिखते हैं, यानी कि इसमें तो केवल एक डिजिट रखना है, बाकी आपको इसमें रखना है। अब करना क्या दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां से इन दो नंबरों को डिवाइड करना है किससे, 7 से, यानी फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, 32 डिवाइडेड बाय 7, 32 को डिवाइड करना है 7 से। कितने टाइम डिवाइड हो रहा है दोस्तों, 4 टाइम, कितने टाइम, 4 टाइम, जो जितने टाइम डिवाइड हो रहा है कहां पे लिखना है, यहां पे लिखना है, कहां पे लिखना है, यहां पे लिखना है, यानी अपने पास में क्यू कितना आ रहा है, क्यू तो आ रहा है अपने पास 4, जो तो अपन यहां पे लिख देंगे। अब रिमाइंडर कितना बच रहा है अपने पास में, यानी रिमाइंडर बच रहा है अपने पास में 28, रिमाइंडर अपने पास में बचेगा 4, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर लिखना है आपको यहाँ पे लिखना है, यानी कि 20 जो 5 है उससे और 2 के दोनों के बीच में अपन को 4 लिखना, अपने पास नया नंबर क्या बन गया 4, ये 5, यानी सेकंड जो स्टेप होगी उसमें क्या हो जाएगा 4 5। अब क्या करना है, 4 5 में से माइनस क्या करना है, इस जो अपने पास में जो अपने पास जो आंसर आया 4, इस आंसर को मल्टीप्लाई करना है ध्वजांक डिजिट से, ध्वजांक डिजिट क्या है 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आया 16, 45 माइनस 16 कितना बच गए, यहां से माइनस कर लो, माइनस करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 9, और ये आ गया 29 आ गया। 29 को डिवाइड करना किससे, वापस जो अपने पास में मेन डिजिट है, मेन डिजिट कितना 7, 7 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम डिवाइड हो रहा है अपने पास में, क्वेश्चन तो आएगा अपने पास में 4, वापस 4 आएगा, वो तो अपने वापस यहाँ पे लिखना है, रिमाइंडर कितना बच रहा है, वापस रिमाइंडर अपने पास में बच रहा है, रिमाइंडर अपने पास में बच रहा है 1, जो अपन लिखेंगे जो नेक्स्ट डिजिट है उससे पहले, तो अपना नया डिजिट क्या हो गया 17। तो थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, जो अपने पास नया डिजिट क्या हो 17, इससे से माइनस करेंगे वही स्टेप चलेगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ध्वजांक डिजिट से, तो 4 × 4 इक्वल टू 17 माइनस 16 इक्वल टू 1, यानी रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर अपने पास में बचेगा 1, यानी इसका आंसर होगा, आंसर क्वेश्चन तो होगा 44 और रिमाइंडर कितना जाएगा 1, यानी क्वेश्चन तो हो जाएगा 44 और रिमाइंडर कितना जाएगा 1। इस तरीके से आपको ध्वजांक विधि से डिवाइड करना आना चाहिए दोस्तों, और इसके 99% चांस है या तो ध्वजांक विधि से डिवाइड करना सो आएगा, या भी ध्वजांक विधि से उदरतिर्यक विधि से मल्टीप्लाई करना आएगा, तो एक मल्टीप्लाई का और डिवाइड का क्वेश्चन आता रहा है, आपको तैयार कर लेना चाहिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।